नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। रक्षाबंधन पर धामी सरकार ने प्रदेश भर की बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात से ही महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई है और महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में महिलाओं को यात्रा के दौरान किराए में छूट रहेगी। जानकारी के अनुसार परिवहन निगम ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से यह बड़ा गिफ्ट रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश भर की महिलाओं को दिया गया है। दरअसल फ्री यात्रा इस पूरे अंतराल के दौरान प्रदेश में महिलाएं कर रही हैं, कर सकती हैं। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर कई राज्य सरकारों की ओर से इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं और जिसका भरपूर लाभ महिलाएं भी उठाती हैं। आपको बता दें कि जो प्रदेश परिवहन की निगम की बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा जारी रहेगी आज और कल रक्षाबंधन के मौके पर। सरकार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए थे, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था ट्वीट के माध्यम से। और यशराज आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। यशराज, जिस तरह से सरकार की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर यह बड़ी सौगात दी गई है प्रदेश की महिलाओं को, किस तरह से इसका असर और लाभ महिलाएं उठा रही हैं? जी बिल्कुल, प्रदेश की सरकार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें यह मिला है कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकती है, मुफ्त यात्रा कर सकती है। वही ये योजना का लाभ आज 12 बजे बुधवार रात 12 बजे से लेकर बृहस्पतिवार रात 12 बजे तक उठाया जाएगा। साथ ही साथ वो उत्तराखंड में रोडवेज बसों में तो मुफ्त में फ्री में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन यदि वो उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में जाना चाहे तो वहां पर भी भारी छूट दी गई है किराए में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जिसके तहत महिलाएं रोडवेज बसों में उत्तराखंड में फ्री यात्रा कर सकती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी महिलाएं वहां पर किराए में कमी के साथ यात्रा कर सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिस कारण से यहाँ की प्रदेश की महिलाओं में खुशी की लहर है, उत्साह की लहर है। महिलाएं अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं, उन्हें राखी बांधने के लिए जाती हैं, तो उनमें यह एक इस बात को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी कलाइयों पर राखी बांधा था और उनसे कुछ उपहार स्वरूप मांगा था, तो उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जिस मैंने कई महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि रोडवेज बसों में उनके लिए फ्री यात्रा की जा रही है। यशराज, आप उत्तराखंड पथ परिवहन की ओर से, विभाग की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है रक्षाबंधन के मद्देनजर? महिलाओं के साथ साथ क्या बच्चों के लिए भी ये छूट जारी रहेगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि परिवहन विभाग की ओर से रोडवेज बसों में जो इस बार जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनकी छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई है, उन्हें छुट्टियों से उन्हें छुट्टियां उनकी निरस्त कर दी गई है और उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड में इस बार क्या है कि महिलाएं परिवहन निगम की बसों से यात्रा ज्यादा कर सकती है, क्योंकि रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों में छूट मिली और वही उत्तराखंड में मुफ्त में यात्रा की जाएगी। तो लगातार इस बार रोडवेज बसों के जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई और उन्होंने उन्हें ड्यूटी तैनात कर दी गई और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि रोडवेज बस जो चलेंगी तो उसमें महिलाओं को तो मुफ्त में यात्रा की जाएंगी, लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनके भी मुफ्त यात्रा की बात कही गई है कि महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकती है, लेकिन 4 साल की से बड़े उम्र के बच्चों के लिए ऐसी कोई राहत नहीं मिली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो उत्तराखंड और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं को एक सौगात दी है। जी रुपये यशराज, एक आखिरी सवाल और, विभाग की ओर से किसी तरह का क्या आंकड़ा जारी किया जाता है? चूंकि साल दर साल इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है रक्षाबंधन के मौके पर, तमाम बहनें महिलाएं अपने अपने घरों को जाती हैं तो उनके लिए परिवहन विभाग की ओर से निःशुल्क यात्रा रहती है। किस तरह से जो इसका पूरा जो भार है विभाग के ऊपर पड़ता है, क्या इसको लेकर कोई आंकड़ा सरकार की ओर से जारी किया जाता है या क्या कुछ अनुमान लगाया जाता है कितनी महिलाएं इस पूरे अंतराल के दौरान सफर करती हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में इस बार
बात यह है कि लगातार देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी, यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति सड़कों पर बनी रहती थी, क्योंकि और क्या होता है कि रक्षाबंधन या कोई ऐसे फेस्टिवल के समय लोग अपनी अपनी गाड़ियों से ज्यादा सफर करते हैं, तो अपनी अपनी गाड़ियों से सफर करने के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं शासन का जो या प्रशासन का जो यह एक रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की एक सुविधा जो दी गई अपने आप में जरूर इस कंडीशन को देखते हुए भी किया गया है, क्योंकि महिलाएं अधिक से अधिक रोडवेज बसों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें और वो अपने गंतव्य स्थान पर रोडवेज बसों से पहुंच जाएं, जिस कारण से सड़क पर जाम की भी समस्या से निजात हो सकती है और साथ ही साथ यह महिलाओं में भी एक खुशी की लहर हो सकती है, क्योंकि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो अपने आप में भी एक यह बहुत बड़ी बात होती है कि चुनावी दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाए। और दूसरी बात जो आपने एक प्रश्न किया कि रोडवेज बसों की क्या तैयारियां रही है और क्या उन्होंने डेटा खाका तैयार किया है, तो बिल्कुल रोडवेज बसों में पिछले बार की संख्या में इस बार की संख्या में काफी ज्यादा भीड़ जरूर मिलेगी। रोडवेज बसों को साफ सुथरा कर दिया गया है, धो दिया गया और साथ ही साथ जो रोडवेज बसें खड़ी पड़ी थी उन्हें भी चालू कर दिया गया है, जो कि महिलाओं की संख्या अनुसार काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल यशस, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा फैसला, न सिर्फ महिलाओं को राहत मिली बल्कि जिस तरह से आपने बताया कि ट्रैफिक पर भी इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ता है, लोग अपने वाहनों को छोड़कर जो परिवहन विभाग के वाहन हैं, बसें, उससे यात्रा करती हैं महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए, देने के लिए। तो आपको बता दें कि व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं भी प्रशासन की ओर से की गई हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी महिलाओं को ना झेलनी पड़े अगर वो निकलती हैं त्यौहार के मौके पर। और आपको बता दें महिलाओं के साथ छोटे बच्चों के लिए भी किराए में छूट है, आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से। तो वहीं हल्द्वानी में रक्षाबंधन के त्योहार के चलते बाजारों में काफी रौनक और चहल पहल है। बाजारों में इस समय अलग अलग तरह की राखियों की डिमांड है। सुबह से ही हल्द्वानी के बाजारों में राखी लेने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग तरह की राखियां महिलाओं को पसंद आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की राखियां भी बाजार में मौजूद हैं जो महिलाओं को काफी पसंद आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि भले ही चांदी की राखी की डिमांड कम है लेकिन कई महिलाएं चांदी की राखी भी खरीद रही हैं। एक चांदी की राखियाँ तो हैं, दुकानों में रखी हैं और लोगों ने चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि, और उसके ख़रीदार अलग से जो महिलाएं आती हैं वो ले जा रही हैं, लेकिन इसमें बाज़ार में दसियों प्रकार की राखियाँ आ चुकी हैं और उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है। विशेष तौर पे अब जो डिज़ाइनर राखियाँ आ रही हैं तो महिलाओं का रुझान डिज़ाइनर राखियाँ और जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं उनकी ओर ज़्यादा रहता है और चांदी की राखियाँ अपनी जगह चल रही हैं। तो व्यापारियों को भी सुना आपने, उनका साफ तौर पर कहना है कि राखियां, जो चांदी की राखी है उनको भी महिलाएं खरीदने में अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, किस तरह से बाजारों में रौनक बनी हुई है, महिलाएं किस तरह से जमकर खरीदारी कर रही हैं, समझने और जानने के लिए हमारे साथ हरिद्वार से विकास खड़े हैं और हमारे साथ हल्द्वानी से योगेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या कुछ बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है? जब जब त्यौहार आते हैं ये कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए खुशखबरी होती है, खुशी का मौका होता है, लोग अपने अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो उन्हें एक मौका मिलता है अपनी खुशी का इजहार करने का, बाजारों में क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? देख सकते हैं कि बाजार में काफी रौनक यहाँ पर दिखा दे रही है। जो बहनों ने सभी अपने भाई के लिए यहाँ पर राखी की जो खरीदारी यहाँ पर करी है, तो कहेंगे कि मार्केट में यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, दिख रहा है और जो काफी बहनों यहाँ पर काफी खुशी आ रही है। कुछ बहन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो फिलहाल खरीदारी कर रही है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार किस तरह की नंजगरम मार्केट जो फिलहाल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, फिलहाल किस तरह से आप देखते हैं, कितना प्यार भरा होता है? प्यार बराबर माना जाता है लेकिन कुछ जो बहनों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहेंगे कि अभी जो यहाँ पर जो सभी बहनों राखी खरीदने यहाँ पर व्यस्त है, तो ऐसा में जो आज का जो त्यौहार जो होता है, कहेंगे हाँ लौटता हूँ विकास, मैं आपके पास, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं लौटता हूँ आपके पास दोबारा से। एक बार योगेश का रुख करते हैं, योगेश हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए, योगेश आप भी बाजार में मौजूद हैं,
किस तरह की रौनक इस वक्त बाजारों में दिखाई दे रही है, महिलाओं का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है? देखिए रितेश, भाई बहन के प्रेम के प्रति त्योहार रक्षाबंधन कल है, जिसको लेकर हल्द्वानी बाजार में भी पूरी तरीके से रौनक देखी जा रही है। बहनें अपने भाइयों को बांधने के लिए राखी खरीदारी कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से, देखिए अलग अलग तरह की राखी आई है, ये अलग अलग तरह की राखियां यहाँ पे है। इस बार कुछ चांदी की राखी का भी क्रेज दिख रहा है, जिसको लोग ले रहे हैं। दूसरा यहाँ देखिए अलग अलग कलरफुल यहाँ पे राखियां हैं और खरीदारों की लगातार यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि कल रक्षाबंधन त्योहार है। उससे पहले सभी बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीदती है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि देश की सुरक्षा में जो बॉर्डर में तैनात हमारे देश के जवान हैं, उनके लिए भी बहनें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रक्षाबंधन पर राखी भेज रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाजारों में लगातार चेकिंग हो रही है और रक्षाबंधन का त्योहार सब प्रेम से मनाएं, यही लोगों से अपील भी की जा रही है। जी योगेश, बाजारों का हाल क्या है, किस तरह से व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो किस तरह की रौनक उनके लिए दिखाई दे रही है, कितना लोग खरीदारी कर रहे हैं? देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, बाजारों में जगह जगह खरीदारी हो रही है। मैं हल्द्वानी के मुख्य बाजार में जगह जगह राखी के स्टॉल्स लगे हैं, अलग अलग आकर्षण की यहाँ पर राखियां लगाई गई हैं। बच्चों के लिए अलग डोरेमोन से लेके खिलौनों की राखियां बनाई गई है और बड़े लोगों के लिए ये जो अलग अलग तरह के धागों की राखियां होती है ये बनाई गई। हमारे साथ यहाँ पे राखी के व्यापारी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरह की राखी की ज्यादा डिमांड आ रही है और बाजार में कैसा क्रेज है। यहाँ पे फैंसी राखियों की ज्यादा डिमांड है और स्टोर राखियों की भी ज्यादा डिमांड है। फैंसी राखियों की डिमांड ज्यादा है, स्टोर राखियों की भी डिमांड ज्यादा है और मार्केट अच्छा चल रहा है। और हमारी तरफ से देश की सारी बहनों को इस त्योहार की शुभकामनाएं। देखिए कह रहे हैं फैंसी राखी की डिमांड ज्यादा है, तो अब जिस तरह से जमाना कहीं ना कहीं मॉडर्न हो रहा है, उससे फैंसी राखी भी ज्यादा डिमांड है। देखिए पीछे कई महिलाएं भी यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं, राखी भेज रही हैं और बाजार में भीड़ भाड़ देखी जा रही है और खासी रौनक इसको लेकर देखी जा रही है, क्योंकि पूरे साल बहनें अपने इस त्योहार की प्रतीक्षा करती हैं और कल ये त्योहार है। जी अब बिल्कुल योगेश, निश्चित तौर पर व्यापारियों में भी खुशी है जब इस तरह से खरीदारी बिक्री होती है। तो विकास, हर साल हम देखते हैं, हर नए त्योहार के मौके पर देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो बाजारों में सामान है वो दिखाई देता है, हर बार राखियों में भी अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है। इस साल अगर देखा जाए तो किस तरह से नई नई राखियां उनकी वैरायटी मौजूद है और जिस तरह से कहा जा रहा है चांदी की राखी को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में इच्छा दिखाई दे रही खरीदारी को लेकर। अभी भी उसे अगर हम बात करते कहीं तो जिस तरह से बाजारों की जो रौनक है साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है, हालांकि काफी जो फैंसी जो राखी है यहाँ पर बाजारों में दिखाई दे रही है, आप साफ तौर मेरे पीछे भी देख सकते हैं काफी ऐसी जो राखी है जो काफी फैंसी, हालांकि हम चांदी की राखी की बात करते हैं उनकी भी कहने की डिमांड बाजार में जो बढ़ी हुई है और कहने की जो बहन है वो अपने भाई को यहाँ पर राखी खरीदारी करी है। तो ऐसे में जो जो त्यौहार है कहने के काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण इंसान माना जा रहा है, क्योंकि आज इसके शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो रात्रि लोग जो सभी जो गाने अपने भाई को जो हाथ में चलाए में जो रक्षा सूत्र मारने की तो कल तक जो है ये त्यौहार चलेगा। तो ऐसे में जो काफी खुशी भी यहाँ पर बहनों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मार्केट वाले हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो राखी यहाँ पर जो बिक्री कर रहे हैं आखिरकार इस बार जो किस तरह की बिक्री राखा आप देख रहे हैं और फिलहाल किस तरह की राखी आपके पास और इस बार किस तरह की खरीदारी हो रही है आपके यहाँ? जी और राखी का त्यौहार है सबका बहुत अच्छे से रहते हैं, पहला गुरु व्यवहार है जो राखी है काफी यहाँ पर राखी की डिमांड यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में जो चांदी की जो राखी है उनके बात करते जो जो शोक है वहाँ पर भी काफी भीड़ मार्केट में दिखाई दे रही है। तो कहने की जिसके साथ गुरुद्वारे हालांकि ज्वालापुर जो मार्केट है फिलहाल के आज के दिन के खोलो चले थे, लेकिन आज के दिन की जो जो रौनक है मार्केट में दिखी तो कहने के साथ खूबसूरत नजर यहाँ पर तो विकास, रक्षाबंधन के मौके पर रक्षाबंधन के चलते बाजारों में पूरी तरह से रौनक दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास और योगेश आपका भी तमाम जानकारी ग्राउंड से देने के लिए। तस्वीरें देखिए, अलग अलग रंगों की राखियां भाइयों के कलाई पर बनती है और वचन मिलता है सुरक्षा का वचन मिलता है, तो साथ ही साथ खुशियों का पर्व भी है रक्षाबंधन।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, इससे 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया गया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए 400 रुपये की सब्सिडी की है, वहीं घरेलू कनेक्शन में 200 रुपये की जो सब्सिडी की है, इससे सीधे सीधे देश के 33 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सहायता होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज में अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे सहायता हो, सीधे सीधे उनके जीवन में उनको उसका लाभ मिले, उनके जीवन के उत्थान में, उनके जीवन के उन्नयन में लाभकारी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनकी इस योजना से निश्चित रूप से वो काम हुआ है जो लोगों को आवश्यकता है, और हमेशा वो देश के अंदर वो नीति और वो काम करते हैं जो लोगों की जिसकी आवश्यकता होती है। इस बार भी उन्होंने इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर यह काम किया है, निश्चित रूप से देश की बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। धामी सरकार ने खिलाड़ियों और खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल कुमाऊं के हल्द्वानी शहर में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसकी स्थापना जल्द ही होगी। और आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संघ खेल विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहर लगाई। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए बताया कि हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि भी चिन्हित की जा रही है। जैसे ही वन विभाग की जमीन हस्तांतरित होगी, वैसे ही खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने की दिशा में आगे कदम उठाया जाएगा। विश्वविद्यालय बनाने का हमने निर्णय लिया हुआ है और जल्दी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में हमारा गोलापार में स्टेडियम है, उस स्टेडियम के आसपास की जमीन अगर हमें जल्दी ही मिल जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वन विभाग से संबंधित कुछ भूमि होने के कारण से अभी जमीन के कारण से एकदम तेजी नहीं आ पा रही, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम खेल विश्वविद्यालय का निर्माण। तो वहीं रसोई गैस सिलेंडर में भारी छूट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये देश भर की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा है। उन्होंने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों के चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, ये एक सराहनीय काम है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट, और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे, जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, देवभूमि की बहनों की ओर से भी उनको राखी की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और चलिए सीधा आपको चंपावत लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इतना आशीर्वाद दिया, और आप सबका मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये पर्व
माताओं बहनों को भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में जो एक पर्व हम पौराणिक रूप से सांस्कृतिक रूप से लगातार मनाते आए हैं इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है। मैं देख रहा हूँ जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे आप सब बहनों ने आप सबके कारण से जो एक बड़ा समर्थन और आशीर्वाद आपका मिलता है, निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मेरे मन में नया उत्साह आता है। थोड़ा भी मैं कभी थोड़ा सा भी 1% कभी मुझे लगता है कि मैं दोस्त में नहीं आ पा रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा कम हो रही है। जब भी मैं पढ़ने की आप सब लोगों को देखता हूं, अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को देखता हूं, माताओं बहनों को देखता हूं, इस क्षेत्र के नौजवानों को देखता हूं और उनके अंदर जो अपार जोश देखता हूं, उस अपार जोश के कारण, माताओं बहनों के आशीर्वाद के कारण मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मुझे भरपूर ऊर्जा मिलती है। हम सब जानते हैं कि भाई बहन का पारस्परिक जो प्रेम है, स्नेह है, विश्वास हमारा एक त्यौहार है। यह त्यौहार ये इसके लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। यह पर्व हमको कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भावना इसके प्रतीक के रूप में हम सब मनाते हैं। और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो इस बार का रक्षाबंधन कुछ विशेष है, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो चंद्रमा है उनको चंदा मामा कहा जाता है, चंदा मामा कहा जाता है, और धरती माँ के भाई के रूप में चंदा मामा को हम सब जानते हैं। और इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो आज तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, धरती मां ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के रूप में चंद्रयान 3 ये भेजा है। और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। 4 लाख किलोमीटर के लगभग चंद्रमा की दूरी धरती मां से है, हमसे 4 लाख किलोमीटर की लगभग दूरी पर चंद्रमा है और सफलतापूर्वक जिस प्रकार से लैंडिंग हुई है, उस लैंडिंग में अगर किसी का विशेष योगदान रहा है, विशेष सहयोग रहा है, तो उसमें भी हमारी मातृशक्ति का रहा है। इस बार मातृशक्ति ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। यदि मैं कहूं कि भारत का जो मिशन चंद्रयान है नारी शक्ति का, इससे ज्यादा जीवंत उदाहरण और कोई दूसरा अभी नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे मिशन में आप सबको मैं बताऊं, जब आप लोग देख रहे होंगे, जब टेलीविजन पर दिखाई दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी वहां से संबोधित कर रहे थे, तो हमारी जो वैज्ञानिक बहने हैं, अनुसंधान करता है, मातृशक्ति है, वो साड़ी, वो हमारा जो पारंपरिक परिधान है, वह भी आप ही सब लोगों की तरह धोती साड़ी और ये सब ब्लाउज पहनकर, हमारा जो पारंपरिक परिधान है वो पहनकर वहां पर आई थी। उसमें से महिला वैज्ञानिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जो इस पूरे इस अभियान से जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ आज हमारी नारी शक्ति ने आज अनेकों क्षेत्रों में अपने कार्यों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से अनेक कार्य किए हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। आज मैं कहीं भी उत्तराखंड के अंदर अगर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारी जो मातृशक्ति है हमारी। तो मुख्यमंत्री चंपावत के दौरे पर हैं और रक्षाबंधन की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही साथ अपने भाषण में उन्होंने मातृशक्ति का भी जिक्र किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।